सारंगढ़ तहसील के गांव मुंडिया डीह मा शासकीय उचित मूल्य के दुकान चलवैया समिति ह अपन मन मर्जी मनमाने तरीका ले चावल शक्कर और माटी तेल ला करत रहिस बटाई। देखा हमारी रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला है सारंगढ़ कना स्थित गांव नंदेली के, जहां शासकीय उचित मूल्य के दुकान चलवैया जतका राशन कार्ड धारी मन ला आधा के आधा देवा थे। जैसे सरकार कति ले एक राशन कार्ड में 2 लीटर मिट्टी तेल देहे के योजना है, तब मनखे मन ला सिर्फ 1 लीटर ही माटी तेल मिला थे। वैसन है 1 किलो शक्कर के जगह आधा किलो शक्कर देहे के बाद सामने आई ये समस्या। लगे के गाँव वाला मन रायगढ़ कलेक्टर तक तको गुहार लगा चुके है। पंचायत के आश्रित ग्राम नंदेली ले आए हैं हम और राशन कार्ड के राशन के सामान के संबंध में आए। राशन कार्ड के संबंधित शिकायत जी सर कहाँ मिला शिकायत है? SDM साहब कर मुलाकात हुई साहब मुलाकात हुई सर का के हिसाब में साहब कैसे पूरा विस्तार मैंने देते हैं मैंने जाग दर करके का समस्या है? समस्या बहुत जब ले मैंने दिनेश ठाकुर लंबित हुई से और बाद में जब चला थे दुकान ला कभी सामान ला ढंग से नहीं दे सामान दे जाते तो मनमाना ढंग से जाते 11 बजे 12 बजे खोल ही और ओकर हिसाब से जैसे कुछ का दिया ओकर संबंध में कते जहाँ जाना है तोला जहाँ मेरे जाना है का कर मन कर लेबे ऐसे करके कल ही और घर में बकायदा झगड़ा करे पर रही जाना जी। राशन कार्ड धरिया मन का परेशानी होता कितना कितना मिलत माने आवंटन के हिसाब से 2 लीटर आते हमारे नाम में और 1 लीटर जैसे माटी तेल और शक्कर दही माने एक किलो शक्कर आते और जैसे 3 पाव शक्कर। कलेक्टर लंग गुहार लगाए के बाद कुछ कार्रवाई नहीं हो देख गांव वाला मन SDM साहब करा पहुंची। SDM साहब लिंग शिकायत दर्ज करे के बाद SDM साहब हा फूड इंस्पेक्टर ला तुरंत जांच पर आदेश दिहिस। फूड इंस्पेक्टर हा अपन जांच में पाइस की वाकई में गड़बड़ चाला होते एक सती एरा सील करके PDS दुकान ला ग्राम पंचायत के जिम्मेदारी में सौंप दीस। जब मैंने यहाँ पर पूछताछ की उनके उनके राशन कार्ड के आधार पर राशन कार्ड के समक्ष उपस्थित करने के पश्चात में तो उन्होंने बताया कि हमको शक्कर मात्र दुकानदार जो है 3 पाव देता है यह मिट्टी तेल के आवंटन जो उनको 2 लीटर प्रति कार्ड होना चाहिए था वह उनको न देकर के 1 लीटर मात्र मिट्टी तेल प्रदान किया जाता है जो राशन कार्ड में दर्ज है। राशन कार्ड की 6 प्रति यह उनका बयान दर्ज कर मैंने कार्रवाई की जा रही है मेरे द्वारा। सारंगढ़ डिजिटल रिपोर्टर दिनेश जोहे की रिपोर्ट।